दोस्तों, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑन ईट लो। आज हम आपको टेस्ट कराएंगे मटन, आजमगढ़ का फेमस मटन। तो चलिए दोस्तों, ये LDA बिल्डिंग है हमारे लेफ्ट में। सामने आपको सुंदर बेकरी दिखेगी, सामने सुंदर बेकरी है वहाँ पे। और ये रहा अमित बैंड, ऊपर बोर्ड लगा है आजमगढ़ मटन दो प्याजा, उसका रास्ता आपको यहाँ से मिलेगा। ये गैलरी अंदर जाएंगे, आजमगढ़ का फेमस मटन है तो हम आपको दिखाएंगे और टेस्ट कराएंगे, उसका प्राइस बताएंगे। तो चलिए चलते हैं। काफी लोग बैठे हुए हैं। दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं रेड एफएम का ठप्पा लगा हुआ है देसी अंदाज से पकाने के लिए। लखनऊ का बेस्ट नॉनवेज प्लेटर रेड एफएम का ठप्पा है देसी अंदाज से पकाने के लिए। मटन दो प्याजा, गाइस आप देख सकते हैं ये मेनू है पूरा, और जोमेटो पे से ऑर्डर भी कर सकते हैं आप। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये कोयले और लकड़ी पे बना है मटन। गजब का अच्छा गंदगी मिल गया। देखिए लहसुन की कलियां बड़ी बड़ी पड़ी हैं। भैया आप कुछ बताइए, कब से है शॉप? 10-12 साल से हो रहा है। अच्छा, आप अपना नाम बताइए भी। नाम विजय राय है। बबलू भैया है जी। तो भैया हमें बताएंगे मटन के बारे में कुछ। भैया मटन की क्या खासियत है? मटन हमारा खुद देसी स्टाइल में पकता है। अच्छा, अच्छा। जैसे हम घर पे बना के खाते हैं, जो हमें डाइजेशन में सही रहता है। अच्छा, सेम उस तरह के मसाले जो हमारे यूज होते हैं, हम स्वयं अपने हाथ से बनाते हैं। अच्छा, वो बाजार का कोई हो। तो कितने समय हो गया आपको ये शॉप चलाते हैं? अरे 10 साल हो गए। 10 साल से। अच्छा, आप देख सकते हैं भट्टियों में चूल्हों पे मटन पक रहा है। बर्तन आपको पीतल के दिख जाएंगे, पीतल का बर्तन रहता है, इसी में थोड़ा टेस्ट आता है। ये दिखाएं। तो दोस्तों, हम लोग अब टेस्ट करते हैं। अच्छा, ये ऐसे पहले पकाते हैं कि? नहीं नहीं, उसी बन ही रहा है। अच्छा, ये चीज बहुत अच्छा है ना। रोटी का तवा दिखा। रोटी का जरा, रोटी एक दो डाल दे जरा। हाँ, बेसन की बेसन की तो। दोस्तों, यहाँ आटे की और आपको बेसन की भी रोटी मिल जाएंगी। क्योंकि हम यहाँ तक खाए हैं, साल भर से हो गया स्टार्ट। ये बढ़िया कर रहा है, अभी और भी वैरायटी बढ़ेंगे। आजमगढ़ मटन दो प्याजा। तो
आप देख सकते हैं ये यहाँ पे पत्तल में सर्व करते हैं और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, शहरों में ऐसा बहुत कम जगह मिलता है देखने को। तो दोस्तों हमारा मटन आ गया है, ये हाफ है, हाफ में भी क्वांटिटी अच्छी खासी है। कितने पीस हैं भैया? तीन पीस है। अच्छा, तीन पीस। और ये रोटी है आटे की है ना भैया? ठीक है, यहाँ पे बेसन की भी रोटी मिल जाएंगी अगर आप मंगाएंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं। भाई टेस्ट करके बताओ ज़रा कैसा है। तो पीस काफ़ी अच्छे हैं और कैसा है भाई? अच्छा टेस्ट, घर जैसा स्पाइसी है। अच्छा मतलब स्पाइसी मतलब मसाले। अच्छा अच्छा ठीक है, एकदम गला हुआ है। अच्छा ठीक ठीक, अब भाई टेस्ट करके बताएगा। दोस्तों रोटियां काफ़ी नरम हैं और अच्छी थिक हैं, मतलब पतली हैं, ऐसे नहीं कि पतली पतली हैं। टेस्ट करते हैं, ऑयल ज़्यादा है जो कि बाहर अब खाएंगे तो इतना तो मान के चलिए कि इतना ऑयल रहता है, वरना बाहर के खाने में टेस्ट ही नहीं रहता। ग्रेवी काफ़ी अच्छी है, लहसुन का फ्लेवर काफ़ी अच्छा आ रहा है और थोड़े मसाले मेरे मुँह में आ रहे हैं कुछ। हम अपनी टेस्ट करेंगे, गल चुका है, बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं है, इतना गला ठीक रहता है और काफ़ी नरम लग रहा है, फ्लेवर्स अंदर तक है। मसाले के मसाला का जो टेस्ट है मसालों का वो अंदर तक चला गया है इसमें। और ये देखिए दोस्तों काफ़ी अच्छे पीस हैं। हम अपना खाना फिनिश करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के गुड बाय, टेक केयर। तो चर्बी पसंद है उसके लिए काफ़ी अच्छा पैराडाइज है, ये देखिए काफ़ी फैट चर्बी भरी है, वो मुझे पसंद नहीं है तो मैं तो इसी टेस्ट करूँगा। देखिए बेसन की रोटी आ गई है तो हम बेसन की रोटी ट्राई करेंगे और काफ़ी अच्छी है, थिक है, एकदम नरम हो गई है इसके बाद। खड़े मसाले भी हैं इसमें काफ़ी,